तो ये छात्रों, आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको कह रहा है कि शांत और अशांत दशमलव के बारे में समझना है। आज शांत और अशांत दशमलव कहने का मतलब है, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में केवल और केवल 2 और या 5 के गुणनखंड है तो वह शांत दशमलव, अन्यथा अशांत दशमलव होगा। आइए उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल पहला ले रहे हैं हम, 13/31 13/31 तो 13/31 25 का थोड़े 31/25 का हम लोग फैक्टर करेंगे। 5 6 का 30 एक बचा इधर जाएगा तो 5 2 के 10 5 25 फिर 5 से जाएगा 5 6 कम 5 फिर 7 का जो है कि 5 2 के 10 5 5 25 फिर 5 से 5 2 के 10 5 25 फिर 5 से 5 25 फिर 5 से 1। तो देखिए 13/ में आया है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तो आया 13/ में 5 के पावर 5। तो कहा है कि हर में परिमेय संख्या के हर में, तो परिमेय संख्या है 3/3 के रूप में है, तो इसके हर में केवल 2 और या 5 के गुणनखंड, तो 5 के गुणनखंड 5 के पावर 5 है, इसलिए यह शांत दशमलव है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं अभी। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, दूसरा ले सकते हैं आप 64/455 64/455 लेंगे तो 455 का जो है हम गुणनखंड करेंगे, 5 से 5 9 45 5 एकम 5 फिर से 7 से 13 बार और 13 से 1 बार। 64/ 5 × 7 × 13 देखिए इसका भी गुणनखंड हो गया है, लेकिन इसके हर में 5 है 7 है 13 है लेकिन कहा है केवल 2 और या 5 के गुणनखंड हो वह शांत है, तो 5 है लेकिन 2 नहीं है, अन्यथा में 7 और 13 आ गया है, केवल 2 और 5 को छोड़कर यदि अन्य कोई दूसरी भी संख्या आ जा रही है उसके हल में तो वह अशांत हो जाएगा, इसलिए अशांत दशमलव है। एक बार और समझ लीजिए, शांत और अशांत दशमलव के बारे में, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में, यदि किसी परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 केवल गुणनखंड हो तो वह संख्या शांत दशमलव कहलाएगी, अन्यथा 2 और 5 को छोड़कर अन्यथा कोई भी संख्या आ रही है तो वह अशांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, इसको देख लिए, इसके बाद हम जो है कि प्रश्नावली के सवाल को करेंगे। आइए सवाल पढ़ रहे हैं। बिना लंबी विभाजक प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। इसमें से आपका पहला प्रश्न यह है तो इसका जो है कि गुणनखंड करेंगे, 5 5 6 का 30 एक बचेगा 5 2 के 10 फिर 2 बचेगा 5 और 25 फिर 5 से 5 एकम 5 5 2 के 10 5 और 25 फिर 5 से 25 फिर 5 से 5 फिर 5 से 1। देखिए यह हल 13/ 31/25 को लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 5 × 5 × 5 × 5
एक दो तीन चार पाँच, तो 13 बटा में 5 के पावर 1 2 3 4 5, तो हर में 5 के पावर 5 आया, तो यह शांत दशमलव। ठीक, दूसरा सत हल 17 बटा 8 का आप जानते हैं फैक्टर होता है 2 × 2 × 2, 17 बटा में 2 के पावर 3, या 2 के पावर 3 आ गया, 5 हो 2 हो तो 2 के पावर 3 आया, तो यह भी शांत दशमलव। ठीक, तीसरा 455 का फैक्टर कर लेंगे, 455 का फैक्टर होगा 5 × 7 × 13, 5 × 7 × 13, इसलिए 5 है लेकिन अन्यथा 7 और 13 आ गया है, इसलिए यह आसान है दशमलव, आसान तो दशमलव है। इस तरह से जो है कि आपका पहला का जो है कि 3 सवाल हुआ, नोट कीजिए। अब जो है कि पहला का जो है कि चौथा सवाल हल करेंगे, 1615 बटा में 1600, तो 1600 का आप फैक्टर कर सकते हैं, 1600 का फैक्टर कर लीजिए, 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1। तो आप इसका यहाँ पर देख लीजिए, 1500 बटा में 1600 को 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर 2, तो 2 और 5 दोनों आया है, हर में 2 और 5 आया, देखिए 2 और 5 दोनों आया, इसलिए शांत है, शांत दशमलव है। इसको देखिए पांचवा हल 29, और 343 का आप जानते हैं कि 7 का घन है, तो 7 × 7 × 7, तो 29 बटा में 7 के पावर 3, तो बेस हर में 7 के पावर जब 3 आ गया, आज 2 और 5 की बात ही हो रही है, तो 7 के पावर 3 हो गया, तो यह आसान शांत है। उसी तरह से आज इधर देखिए, इसको हल नहीं करना है, बस देखिए सवाल दिया है, हल कर दिया है, 23 बटा में 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, तो हल में तो पहले से ही दिया है 2 के पावर और 5, तो गुणनखंड दे दिया है 2 और 5 से, इसलिए अब शांत दशमलव है। यह भी हो गया, यह भी हो गया, इसका जो है कि हल यहां पर है, इसका हल यहाँ पर है, इसका हल यहाँ भी 3 हो गया, नोट कीजिए इसको भी। अब देखेंगे जो है कि पहला का जो है कि 7वां प्रश्न, 129 बटा में 2 के पावर 2, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5, तो 2 तो 5, 2 है 5 है, लेकिन 1 7 आ गया है इसमें, इसलिए यह अशांत है, अशांत है। ठीक, इसका जो है कि हल 6 बटा में 15 का जानते हैं 3 × 5 होता है, तो इसके भी हल में 5 है लेकिन एक और अन्य गुणनखंड आ गया है 3, इसलिए अशांत है। इधर 35 का, तो 35 का आप जानते हैं कि 35 ऊपर 50 का आप खंड करेंगे, 50 का खंड करेंगे आप, तो जो है आ जाएगा कि 2 × 5 × 5, 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 50, तो 35 बटा में 2 × 2 × 5 के पावर 2, तो इसलिए जो है कि अब शांत है। और 77 बटा 210, 77 और 210 का जो है कि हम फैक्टर जो है कि आपको बता दे रहे हैं कि 210 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7, 2 × 3 × 5 × 7, तो 77 में आप देख रहे हैं कि 2 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 5, 2 और 5 को छोड़कर और अन्य संख्या आ जा रहा है, इसलिए अशांत है।
देख लीजिए, नोट कीजिए। आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ऊपर दिए गए मतलब क्या है, जो आप प्रश्न एक हल किए हैं उसमें से 10 सवाल थे जो शांत दशमलव हुए हैं, उनका जो है कि दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो आप देखिएगा, 10 सवाल था जिसमें से पहला शांत था, तो पहला शांत था तो पहला का क्या था, 13/31/25। 13/31/25 को आप क्या लिख सकते हैं, 13/5/5। देखिए दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए नीचे जो है कि 10 नीचे 10 और उसके घात में जो है कि कोई भी संख्या हो, लेकिन नीचे 10 के घात में कोई संख्या बनाना पड़ता है। दशमलव प्रसार में ज्ञात करने के लिए नीचे के जो है कि इसको जो है कि 10 के घात में बनाना पड़ेगा। तो 5/5 है, तो इसको 10 के घात में बनाने के लिए 2/5 से यदि गुणा कर दिया इसमें, तो जब नीचे करेंगे हर में गुणा तो इसके ऊपर भी होगा। तो ये हो जाएगा क्या कि 13/2/5 मतलब कि 2×2×2×2×1, 2, 3, 4, 5। आइए देखिए, यह जो है कि ऊपर वाला घात बराबर, तो आप क्या इसे गुणा कर सकते हैं, 5×10 और 10^5, 13×2×4×8×16×32, 13×32/10^5 का मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5। इसका जब गुणा करेंगे 13×32 करेंगे तो हो जाएगा 416। 1, 2, 3, 4, 5, तो दशमलव आप जानते ही हैं, 416। 1, 2, 3, 4, 5, पांच स्थान पर दशमलव लगेगा, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर आपका दशमलव लगेगा, और उसके पहले क्या हो जाएगा, 0, 0.00416 आंसर। ये आपका पहला सवाल हुआ। उसी तरह से जो है कि आपको जाएगी दूसरा, फिर इसमें शांत कौन आया था, शांत उसमें जो जो आया होगा उसको उसको करना पड़ेगा। पहला सवाल आपका हुआ, मैं शांत आया था, दूसरा भी सवाल शांत आया था लगता है कि 17/8, तो आप इसको लिख सकते हैं 17/2×4×2×2×3। तो इसमें आप इससे गुणा करेंगे कि जो है 10 हो जाए, तो 5/3 से कर देंगे, तो ऊपर 5/3 से करना पड़ेगा, तो 17×5×5×5 आ बटा में 2×5 = 10 आ 10^3, ठीक है। इसका गुणा आप कर लीजिएगा 17×5×5 का, तो इसमें हो जाएगा 17×125 आ बटा में 30। 17×125 कितना होता है, 17×125 हो जाएगा 21/25। 21/25 आ बटा में कितना, 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 21/25, 1, 2, 3, 1, 2, 3 यह आपका हो जाएगा आंसर, ठीक, समझ रहे हैं ना। उसके अब जो है कि दूसरा का जो है कि चौथा, तीन तक हम हल कर लिए, अब चौथा करेंगे हल। चौथा में जो है कि आपका आया था 15/1600 को जब किए थे, तो आपका हुआ 15/1600 को आप फैक्टर करके लिखे थे पहले सवाल में कि 2×6×5×2। तो नीचे आपको 10 बनाना है, तो नीचे आपको 10 बनाने के लिए आपको 5×4 कर दिया जाएगा। 5×4 यदि हम 4 यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऊपर भी 5×4 होगा, ध्यान दीजिएगा। तो
पांच के पावर चार का देखो तो 15 × 5 × 5 × 5 × 5 और नीचे कितना हो जाएगा, 2 के पावर 6 को हम 2 के पावर 6 रहने दे रहे हैं, ठीक। इधर पांच दोनों बेस बराबर है तो 5 और उधर ऊपर कितना हो जाएगा, 5 के पावर 4 × 6। तो जब इसका करेंगे 15 × 5 = 25, 5 × 125 = 6 × 25 और बटा में 5 × 10 = 10 6। तो आप यहाँ देखेंगे 15 में 625 से जब गुणा किया जाएगा, 15 में 625 से जब गुणा किया जाएगा तो आएगा 93.75 बटा में कितना, 1 2 3 4 5 6। तो 93.75 लिखेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 यही आपका हो जाएगा कितना आंसर, ठीक। देखिए उसके बाद आप मिटा दे रहे हैं इसे, उसके बाद चौथा आपका सवाल एक था 23/2 = 3, 5 के पावर 2। इसमें जो है कि यह तो पहले ही से दिया है ऐसे ही, 23/2 = 3 और 5 के पावर 2 दिया है और 5 के पावर 1 से हम कर रहे हैं मान लीजिए। तो 23 × 5 और उसके बाद 23 × 5 इधर आपका हो जाएगा कि 2 के पावर 3 × 5 के पावर 2 को आप लिख सकते हैं कि 2 × 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना 3। तभी तो हो जाएगा ये दोनों गुणा ऊपर घात बराबर हो जाता है। तो लिख लीजिए 23 × 5 और बटा में जो है कि 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 3। तो 23 × 5 15 × 5 = 1, 5 × 10 = 1 ग्यारह और बटा में 1 2 3 आंसर कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 0.1 आंसर 0.115। इसको भी नोट कीजिए, मिटा दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न है आपका 35/50। तो इसको आप क्या लिखे थे, 35/50 लिखे थे कि 2 × 5 = 10, 5 × 5 = 50। तो आपका हो जाएगा 35 × 5 = 2, यही था 5 के पावर 2। तो इसमें आप केवल 2 के पावर 1 से गुणा कर दीजिए, तो 35 × 2 आप बटा में इसमें जो है कि आपको 10 के घात में बनाना है तो आपको 10 के घात में बनाने के लिए हो जाएगा 5 के पावर 2, 5 के पावर 2 और 2 के पावर 1 और जो है कि 2 के पावर आपका 2, 1 और यहाँ पर भी 1 है। तो 70/10 = 2 अर्थात 70/100 आपका आंसर हो जाएगा, लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1 2 1 2 आंसर हो जाएगा 0.7। दूसरा कंप्लीट नोट कीजिए, ये जो एक प्रश्न है 1.4 का तीसरा प्रश्न करेंगे, सवाल हम पढ़ रहे हैं, सवाल आपका दिख रही किताब है। कुछ वास्तविक दशमलव के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। मैंने कि जो दशमलव प्रसार दिया है उसको देखकर आपको बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं, ठीक। यदि यह परिमेय संख्या है
तो और पी बटा क्यू के रूप में की रूप की हुआ है, अन्यथा क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो आपका पहला संख्या दिया है 4, 43.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसको आपको देखकर बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं। तो देख लीजिए परिमेय संख्या है कि नहीं। 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4, 3 माने 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बटा में कितना संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9। क्या यह पी बटा क्यू के रूप में हो गया? देखिए यह पी बटा क्यू के रूप में हो गया है, तो यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। कौन परिमेय संख्या है? यह परिमेय संख्या है। ठीक, उसके बाद दूसरा दिया है 0.1201200, 1200, 1200, 1200, 1200, माने अब इसका कोई अंत नहीं है। तो जब आपको यह पता चल गया कि जो है कि इसका जब कोई अंत नहीं है, तो ऐसे ही यह देखने से जो ही अपरिमेय संख्या है। ठीक, दो सवाल आपका हुआ। तीसरा सवाल को देख लीजिए, तीसरा दिया है सवाल, तीसरा सवाल आपका दिया है कि 43.1234567 8 9, यही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और यहां से जो है कि बार का मतलब कि बार यह कोष्टक है, बार मतलब एक बार बार जो है कि आता है संख्या, उसको जो है कि बार के बारे में, तो जिस संख्या के ऊपर बार लगा होता है, मतलब यह जिस संख्या के ऊपर यह लगा है तो वह परिमेय संख्या होती है, यह परिमेय संख्या है। अब इस क्यों है, इसके बारे में जो है कि आपको कक्षा 9 में पढ़ाया गया था, और आपका हुआ प्रश्न यह भी समाप्त, और 1.4 भी हुआ आपका समाप्त। और हम जो है कि आशा करेंगे जो है कि आप तो इसे जो है कि पढ़ेंगे, और जो भी क्वेश्चन हो, जिन भी प्रश्नों में आपको दिक्कत हो, तो आप जो है कि कमेंट करके जरूर पूछेंगे। धन्यवाद, घर पर रहिए और रोज पढ़िए।